नमस्कार दोस्तों, वॉइस 85 इंडिया में आपका स्वागत है। अमित शाह ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट CAA पर बहस के लिए कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों को चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं चुनौती देता हूं, बहन मायावती, अखिलेश, ममता, राहुल बाबा कोई भी मुझसे CAA पर बहस करने आए। अखिलेश यादव ने स्वीकार किया लेकिन कहा कि हम विकास पर बहस करेंगे, अर्थात CAA पर नहीं करेंगे। अमित शाह ने राहुल गांधी को भी चुनौती दी थी, राहुल गांधी गायब रहे, लेकिन कपिल सिब्बल ने कहा कि वो इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। लेकिन खुले तौर पर इस चुनौती को मायावती जी ने स्वीकार किया है। मायावती ने ट्वीट किया और कहा कि अति विवादित CAA NRC NPR के खिलाफ पूरे देश में खासकर युवा व महिलाओं के संगठित होकर संघर्ष व आंदोलित हो जाने से परेशान केंद्र सरकार द्वारा लखनऊ की रैली में विपक्ष को इस मुद्दे पर बहस करने की चुनौती को BSP किसी भी मंच पर व कहीं भी स्वीकार करने को तैयार है। यानी जो चुनौती अमित शाह ने दी थी उसकी खुली चुनौती बसपा प्रमुख मायावती ने अमित शाह के लिए दी है कि वो किसी भी मंच पर CAA, NRC और NPR पर चुनौती के लिए, बहस के लिए तैयार है। लेकिन क्या अमित शाह अब बहस करने आएंगे क्या, या फिर वह मायावती के ट्वीट से ही जवाब देंगे? लेकिन मायावती ने तो खुलकर कह दिया है कि वह किसी भी मंच पर और कहीं भी स्वीकार करने को तैयार हैं। दोस्तों बने रहिए वॉइस 85 इंडिया के साथ, देखते रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सबसे अनुरोध है कि वॉइस 85 इंडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आप तक सीधे पहुंचती रहे।